दोस्तों, आज की कहानी है बहू घर में खाना बनाने में नाराजगी कैसी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुबह सुबह जब अखबार में जब सोनिया ने अपना नाम देखा तो खुशी से उसके नेत्र भर आए थे। अखबार में अपनी 50वीं रैंक देखकर वह खुशी से उछल पड़ी थी और दौड़ती हुई अपनी सासू माँ के पास पहुंचकर जब उसने अपने UPSC में पास होने की खबर अपनी सासू माँ को दी तो उन्होंने सोनिया को बधाई देते हुए कहा, ये सब तुम्हारी मेहनत का ही फल है। इंसान यदि मन में ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर सोनिया बोली, मम्मी जी, ये सब आपकी दी ही सीख का ही असर है। यदि आप मुझे समय का महत्व ना समझाती तो मैं आज अपने जीवन में ऐसा मुकाम हासिल ही नहीं कर पाती। आपने ही तो मुझे समय का महत्व समझाया। आज मैं जो भी हूँ आप ही की वजह से हूँ। सोनिया की बात सुनकर उसकी सासू माँ मुस्कुरा दी थी। सोनिया की सासू माँ सावित्री देवी सोनिया से बहुत प्यार करती थी। वे सोनिया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। साल भर पहले ही सोनिया उनके घर में उनके बेटे राहुल की बहू बनकर आई थी। उनका बेटा राहुल एक IAS ऑफिसर था। एक दिन जब राहुल अपने ऑफिस गया तो उन्होंने देखा सोनिया बड़े प्यार से राहुल की तस्वीर देख रही थी और मन उदास होकर कुछ सोच रही थी। जब सावित्री देवी ने सोनिया को कुछ सोचते हुए देखा तो वे सोनिया से बोली, राहुल की तस्वीर देखकर क्या सोच रही हो। तब सोनिया बोली, काश मैं भी एक IAS ऑफिसर होती तो कितना अच्छा होता। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपने देश की सेवा करता है। ये सुनकर सावित्री देवी बोली, यदि तुम चाहो तो तुम भी एक IAS ऑफिसर बन सकती हो। यदि इंसान चाहे तो कुछ भी बन सकता है। तब सोनिया परेशान होकर बोली, मम्मी जी, मैं कैसे IAS ऑफिसर बन सकती हूँ। सावित्री देवी ने सोनिया को प्यार से समझाते वे कहा, बेटी तुम सुबह 7 बजे सोकर उठती हो, उसके बाद तुम 2-3 घंटे मोबाइल में बर्बाद कर देती हो। घर में सारा काम नौकरानी ही तो करती है, बस सिर्फ तुम्हें खाना बनाना होता है, वह भी 2 घंटे में तैयार हो जाता है। उसके बाद तुम पूरा दिन या तो सोती हो या फिर फोन में ही अपनी सहेलियों
के साथ या फिर अपनी मम्मी पापा के साथ बातें करके बिता देती हो। यदि तुम अपना वह सम पढ़ाई में लगा दो तो तुम भी IAS ऑफिसर बन सकती हो। वैसे भी तुम BA पास हो, तुम्हारी जनरल नॉलेज भी बेहद अच्छी है, पढ़ने लिखने में भी तुम बेहद होशियार हो। यदि तुम चाहो तो तुम भी एक IAS ऑफिसर बन सकती हो। यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम इस साल UPSC का फॉर्म भरकर UPSC की परीक्षा की तैयारी कर सकती हो। दोनों वक्त का खाना मैं बना लिया करूंगी। सावित्री देवी की बात सुनकर सोनिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह हंसते हुए सावित्री देवी से बोली, मम्मी जी, यदि मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो आप नाराज तो नहीं होगी? तब सावित्री देवी मुस्कुराते हुए बोली, बहू की मदद करने में नाराजगी कैसी? इंसान ही इंसान के काम आता है। सासू माँ की ऐसे प्यार भरी बातें सुनकर सोनिया ने मन ही मन ठान लिया था कि वह भी एक IAS ऑफिसर बनेगी। उसने उसे दिन से ही फोन चलाना बंद कर दिया था और अपना अपना पूरा ध्यान UPSC की तैयारी में लगा दिया था। राहुल ने भी सोनिया का पूरा साथ दिया था और समय समय पर वह सोनिया को पढ़ाई करने की टिप्स बताता रहता था। अपनी सासू माँ और पति का साथ पाकर सोनिया दिन रात मेहनत करने लगी थी। फिर उसने UPSC का फॉर्म भरकर पहले प्रीलिम्स की परीक्षा पास की, फिर मेंस की परीक्षा में अच्छे अंक लाकर उसके बाद इंटरव्यू में सभी सवालों के सही जवाब देकर ऑफिसर का दिल भी जीत लिया था। जब UPSC का रिजल्ट आया तो अखबार में अपनी 50वीं रैंक देखकर सोनिया खुशी से उछल पड़ी थी। अपनी सासू माँ की दी हुई सीख को अपने जीवन में उतार कर सोनिया ने समय का महत्व समझकर अपने सपने पूरे कर लिए थे। बहुत सी सास ऐसी होती हैं जो अपनी बहू को बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हैं। यदि जिंदगी में ऐसी समझदार और प्यार करने वाली सास मिल जाती हैं तो हर बहू के सपने साकार हो जाते हैं और उसे समय का महत्व भी पता चल जाता है। मैंने ऐसी बहुत सी महिलाओं को देखा है जो अपनी बहुओं को अपनी बेटियों से भी ज्यादा प्यार करती हैं और उनकी हर इच्छा का सम्मान करती हैं।